गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फरवरी 2020 की लेट फीस से रिलेटेड। क्या जीएसटी एक्ट 3B के अंदर फरवरी 2020 अगर आप लेट फाइल करते हैं तो उसका डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं, उसका लेट फीस जीएसटी पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है या नहीं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। सबसे पहले मैं आपको फरवरी महीने की रिटर्न अभी जीएसटी एक्ट 3B फाइल करूंगा जो कि 24 मार्च 2020 को फाइल होनी थी, आज है 28 मार्च 2020। और उसके बाद चेक करेंगे जीएसटी पोर्टल लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है या नहीं, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया था फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद उसमें क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल रिटर्न वाले डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद फरवरी 2020 की जो जीएसटी आर 3B है उसके अंदर सेल, परचेज, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स डालने के बाद जो हमारा रिटर्न है उसको हम लोग सबमिट करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कैसे आगे चीजें लेट फीस से रिलेटेड कैलकुलेट हो रही है। ये मैंने ओपन कर लिया है रिटर्न डैशबोर्ड। अब इसके अंदर हम लोग फरवरी महीने की जो रिटर्न है उसको ओपन करेंगे, और जीएसटी आर 3B आप देख रहे हैं ड्यू डेट यहाँ पे लिखा गया है 24 मार्च 2020। इसके अंदर जो हम लोगों को 3B फाइल करना होता है अपने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को सिलेक्ट करने के बाद, वो मैंने करा हुआ है कि हमारे पास आउटवर्ड सप्लाईज है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल्स जो है वो अवेलेबल कराया गया है। अब इसमें हम लोग फिगर्स डालेंगे और इसको फटाफट से फाइल करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा जीएसटी आर 3B का लेट फीस मार्च में कैलकुलेट होता है, क्योंकि जीएसटी आर 3B के अंदर जो लेट फीस कैलकुलेट किया जाता है वो एक महीने की लेट फीस आपको अगले महीने जो है वो देनी होती है। तो जैसे हम लोग फरवरी महीने की रिटर्न आज फाइल कर रहे हैं तो फरवरी महीने की लेट फीस अभी नहीं लगेगी, वो लगेगी जब मार्च की रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे। तो इसको सबमिट करने के बाद मार्च का 3B एक बार ओपन करके चेक करेंगे कि क्या उसमें जीएसटी आर 3B के अंदर लेट फीस कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अमाउंट हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया है। इसके बाद सारे डेटा को सेव करने के बाद जैसे अपने 3B फाइल करते हैं सिंपली वैसे ही हम लोग फाइल करके चेक करने वाले हैं। अब जो है हमारे पास ईवीसी का ऑप्शन आता है, उस ईवीसी के ऑप्शन को यूज करके फरवरी महीने की 3B को हमने फाइल कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी आर 3B ऑफ जीएसटी इन सो एंड सो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 28 मार्च 2020। ये होनी थी 24 मार्च को, तो हमारे पास जो डिले हुआ वो हुआ 25, 26 और 27। 3 दिनों का डिले जो है हम लोगों ने करा है, तो 3 दिन का लेट फीस जो है 3 से 4 दिन का लेट फीस लगना चाहिए मार्च महीने की। अब देखते हैं अगले महीने की जीएसटी आर 3B को ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या फरवरी महीने की जो रिटर्न लेट फाइल हुई है उसकी वजह से पोर्टल लेट फीस ले रहा है या नहीं। अब मैंने फिर से ओपन कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 19-20। रिटर्न फाइलिंग पीरियड हमने मार्च का ओपन करा है, और मार्च का ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग 3B फाइल करने जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यू हैव लेट फी लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्स पीरियड और एनी कैरी फॉरवर्ड लेट फी लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि फरवरी महीने की लाइबिलिटी जो है लेट फीस की वो भी कैलकुलेट करेगा, अराइजिंग ड्यू टू डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी आर 3B एज वेल एज जीएसटी आर 1। अब देखते हैं कि जो लेट फीस का अमाउंट है वो कितना लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लेट फीस है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लेट फीस लग रहा है तो आप कुछ दिन का वेट कर लें, क्योंकि ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि फरवरी महीने की जो जीएसटी आर 3B है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं जो प्रेस रिलीज आया था उसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि दोज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन ₹5 करोड़ लास्ट डेट टू फाइल जीएसटी आर 3B ड्यू इन मार्च, ड्यू इन अप्रैल, ड्यू इन मे 2020 बाय द लास्ट वीक ऑफ जून 2020 नो इंटरेस्ट लेट फी एंड पेनल्टी विल बी चार्ज। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से कम है और आपकी कोई रिटर्न जो कि मार्च महीने में ड्यू है, अप्रैल महीने में ड्यू है, मई के महीने में ड्यू है, वो आपको नहीं पे करना होगा लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टी। तो फरवरी महीने की जो हमारी रिटर्न है वो मार्च महीने में ड्यू हो रही है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी लेट फीस या इंटरेस्ट या पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस जो हैं वो अभी इशू नहीं हुए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशंस इशू हो जाएंगे लेट फीस जो है वो ऑटोमेटिकली वहां से हटा दी जाएगी।
Other can file returns due in March, April and May 2020 by last week of June 2020, but the same would attract reduced rate of interest at the rate of 9% from 15 days after due date. Current interest rate is 18% per annum. No late fee and penalty to be charged if complied before 30 June 2020. अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तब तो आपको कोई इंटरेस्ट लेट फी भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आप ड्यू डेट के 15 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट फी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट भी जो होगा वो रिड्यूस्ड रेट पे होगा। जो 18% का इंटरेस्ट लगता है वो 9% ही लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा दूं, यहां पर इन्होंने लिखा है ड्यू डेट फॉर द इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर और फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशंस, रिपोर्ट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, टाइम लिमिट फॉर एनी कंप्लायंस अंडर जीएसटी लॉ विच इज ड्यू बिटवीन 20 मार्च 2020 टू 29 जून 2020। इस पीरियड में 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में जितने भी ड्यू डेट्स आएंगे सबको एक्सटेंड करके 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि फरवरी महीने की जो ड्यू डेट है वो तो एक्सटेंड हो गई थी लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो लेट फीस के रूप में लिया जा रहा है। बिल्कुल भी पोर्टल अभी अपडेटेड नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशंस इशू नहीं हुए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशंस इशू होंगे ये लेट फी वाला चक्कर जो है खत्म हो जाएगा। तो कुछ दिन का वेट कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।